सितारा देवी, भारतीय नृत्य कला का एक ऐसा नाम जिसे हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। बात जब कथक की हो तो सितारा देवी के सामने बड़े बड़े कथक नर्तकों का सिर सम्मान में झुक जाता है। सितारा देवी जो न केवल एक शानदार कथक नृत्यांगना थी बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा और एक खूबसूरत गायिका भी थी। किस्सा टीवी पर आज पेश है डोम ऑफ द कथक सितारा देवी की बायोग्राफी। सितारा देवी के जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें आज हम आपको अपनी इस पेशकश में बताएंगे। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुखदेव महाराज था और वो उस जमाने के एक बड़े कथक डांसर थे। मूल रूप से इनका परिवार बनारस का रहने वाला था। इनकी माँ का नाम था नृत्य साम्राज्ञी और इनकी माँ नेपाल के शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनकी माँ भी कथक नृत्य में पारंगत थी। चूँकि ये धनतेरस के दिन पैदा हुई थी तो इनके माता पिता ने इनका नाम धनलक्ष्मी रखा था। इनके पिता एक बहुत बड़े कथक कलाकार थे तो वो अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी नृत्य प्रस्तुति देने जाते रहते थे। सितारा देवी के अलावा सुखदेव महाराज की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। सुखदेव महाराज ने अपने सभी बच्चों को नृत्य शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। हालांकि उस दौर में नृत्य करने वालों को समाज में सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता था, लेकिन सुखदेव महाराज ने कभी इस बात की चिंता नहीं की। चूंकि उस दौर में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी तो इस कुप्रथा से सुखदेव महाराज भी खुद को अछूता नहीं रख पाए। उन्होंने धनलक्ष्मी देवी यानी सितारा देवी की शादी भी 8 साल की छोटी सी उम्र में ही तय कर दी थी। उस जमाने में धनलक्ष्मी अपनी 20 साल बड़ी बहन से नृत्य कलाएं सीख रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पिता ने उनकी शादी तय कर दी है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो पढ़ना चाहती हैं, मगर पिता ने उनकी मांग को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब पिता सुखदेव महाराज को मालूम चला कि धन्नो यानी धनलक्ष्मी ने एक दिन पहले ही सत्यवान और सावित्री के जीवन पर आधारित एक डांस ड्रामा में बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है और दर्शकों ने धनलक्ष्मी की प्रतिभा को खूब सराहा है तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने धनलक्ष्मी का नाम बदल कर सितारा देवी रख दिया। सितारा महज 10 साल की थी जब इन्होंने प्रोफेशनली कथक नृत्य परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। कथक के प्रति इनका समर्पण इतना ज़्यादा था कि पढ़ाई लिखाई में मुश्किल होने लगी। आखिरकार सितारा देवी ने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने पूरी तरह से खुद को कथक को समर्पित कर दिया। एक दिन सितारा अपने पिता के साथ नृत्य अभ्यास कर रही थी कि उस दौर के एक नामी एक्टर डायरेक्टर निरंजन शर्मा उनके घर पहुँच गए। निरंजन शर्मा खुद भी मूल रूप से बनारस के ही रहने वाले थे और उन दिनों वो अपनी एक फिल्म के लिए एक ऐसी चाइल्ड एक्टर की तलाश में थे जिसे नाचना आता हो। सितारा के घर आकर निरंजन शर्मा ने उनका नृत्य देखा और उन्हें सितारा का नृत्य बड़ा पसंद आया। निरंजन शर्मा ने सितारा देवी के पिता सुखदेव महाराज से कहा कि वो इस बच्ची को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। निरंजन शर्मा ने सुखदेव महाराज से कहा कि अगर ये अपने परिवार के साथ बॉम्बे आएंगे तो इन्हें वहाँ रहने के लिए एक फ्लैट दिया जाएगा और हर महीने 400 रुपये पगार भी दी जाएगी। उस ज़माने में 400 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती थी। निरंजन शर्मा का वो ऑफ़र सुखदेव महाराज ने स्वीकार कर लिया और 13 लोगों के अपने परिवार को लेकर वो बॉम्बे यानी मुंबई आ गए।
मुंबई आने के बाद निरंजन शर्मा की फिल्म उषा हरण में सितारा ने काम किया और इस तरह ये फिल्म इनके करियर की पहली फिल्म बनी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सितारा देवी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी बन गई। लोग इनके नृत्य के बड़े फैन हो गए। मुंबई में कई जगह इन्हें डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा। इत्तेफाक से उन दिनों बॉम्बे में कथक नृत्य कोई नहीं करता था, इसलिए सितारा देवी देखते ही देखते वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। एक दफ़ा सितारा देवी को बॉम्बे के अतिया बेगम पैलेस में कथक नृत्य प्रस्तुति देने का मौका मिला। इत्तेफाक से वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू भी मौजूद थे। उन्हें सितारा देवी का नृत्य बड़ा पसंद आया। उन्होंने सितारा देवी को टाटा ग्रुप के टाटा पैलेस में परफॉर्म करने के लिए बुलाया। उनके बुलावे पर सितारा टाटा पैलेस गई और उन्होंने वहां कथक की बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। उस प्रस्तुति के बाद सितारा देवी को सम्मानित भी किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा को अपनी तरफ से एक शॉल और 50 रुपये बतौर इनाम देने की पेशकश की, लेकिन सितारा ने ये कहकर गुरुदेव का इनाम नहीं लिया कि इसकी जगह वो अपना आशीर्वाद उन्हें दें। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि पंडित सुखदेव महाराज को मुंबई जाने के बाद अपने समाज की तरफ से कई तरह के आरोप झेलने पड़े थे। लोगों ने उनकी बेटियों को वैश्या तक कहा था। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उस जमाने में भारतीय नृत्य कला कथक केवल तवायफों के कोठों तक सिमट कर रह गई थी। लोगों का मानना था कि अच्छे घरों के लोग ये सब काम नहीं करते हैं, पर चूंकि पंडित सुखदेव महाराज से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक नृत्य कला को सहेज कर रखने की गुजारिश की थी, तो पंडित सुखदेव महाराज जी ने लोगों की बातों की ज़रा भी परवाह नहीं की। पंडित जी की बेटी सितारा तरक्की की राह पर तेज़ी से बढ़ने लगी। कई फिल्मों में उन्हें अपना नृत्य कौशल दिखाने का मौका मिला और फिर सन 1935 में आई महबूब खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अल हिलाल में उन्हें पहली दफ़ा एक्टिंग करने का मौका मिला। इसके बाद सितारा देवी ने महमूद साहब की ही वतन और रोटी में भी एक्टिंग की और इन फिल्मों में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। कमाल की बात तो ये है कि जिस वक्त सितारा देवी ने इन फिल्मों में एक्टिंग की थी उस वक्त इनकी उम्र मात्र 16 बरस थी। सितारा देवी को नृत्य से बेहद प्यार था। वो न केवल कथक में निपुण थी, भरतनाट्यम में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। साथ ही भारत के कई अन्य लोक नृत्यों पर भी इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। इसके अलावा अपने कुछ फिल्मों में इन्होंने रशियन बैले भी परफॉर्म किया था। सितारा देवी केवल एक्टर और डांसर ही नहीं थी, वे एक गायिका भी थी। फिल्मों में उन पर जितने भी गाने फिल्माए गए थे उनमें अपनी आवाज़ उन्होंने खुद ही दी थी। बात अगर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में करें तो उन्होंने 3 शादियां की थी। उनकी पहली शादी हुई थी एक्टर नज़ीर अहमद खान से, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इनकी वो शादी टूट गई। इसके बाद इन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर के आसिफ से शादी की। हालांकि इनकी ये शादी भी चल नहीं पाई। के आसिफ से तलाक के कुछ साल बाद इन्होंने प्रताप बैरोट से शादी की। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम है रंजीत बैरोट। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है जयंती माला। इनका बेटा रंजीत बैरोट एक जाना माना संगीतकार है। सितारा देवी जब छोटी थी तो इनके माता पिता इन्हें प्यार से धन्नो कहकर पुकारते थे। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुई थी तो इनका मुंह टेढ़ा था। किसी पुरोहित की सलाह पर इन्हें एक महिला को गोद दे दिया गया था और 8 साल तक उसी महिला ने इनको पाला पोषा। 8 साल की उम्र पूरी करने के बाद इनके माता पिता इन्हें अपने घर ले आए। नृत्य और कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 1994 में इन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा गया था। साल 2002 में जब भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण सम्मान देने की घोषणा की तो इन्होंने ये कहकर पद्मभूषण लेने से इनकार कर दिया था कि ये भारत रत्न से कम कोई भी पुरस्कार नहीं लेंगी। देश विदेश में इन्होंने अपने नृत्य के जौहर दिखाए थे और लोकप्रियता हासिल की थी।
सितारा देवी के शरीर ने जब तक उनका साथ दिया उन्होंने नृत्य किया। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को उन्होंने कथक की ट्रेनिंग दी। उनकी बहन तारा देवी का बेटा गोपी कृष्णन भी कथक जगत का एक बहुत बड़ा नाम है और इत्तेफाक से गोपी कृष्ण इनका शिष्य रह चुका है। 90 साल की उम्र तक सितारा देवी ने स्टेज पर अपनी नृत्य कला के जौहर दिखाए, लेकिन फिर बुढ़ापे के चलते उन्हें स्टेज से दूर होना पड़ा। 25 नवंबर 2014 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में 94 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली और इस तरह भारतीय नृत्य कला का एक चमचमाता सितारा टूटकर हमेशा के लिए गायब हो गया। किस्सा टीवी महान सितारा देवी को सैल्यूट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सितारा देवी जहाँ भी हों ऐसे ही जगमगाती रहें जैसे कि वो इस जन्म में इस लोक में जगमगाती रही थी। जय हिंद।